आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ का एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, राइट, यानी सम निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2,7,12 10 टर्म, यानी ऐसे करके 10 टर्म जाना है, उसका सम करना है। तो सम का फॉर्मूला हम रिमेंबर कर लेते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एन बाई टू लार्ज ब्रैकेट ओपन 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 एन टू डी, राइट। और सेकेंड फार्मूला एस एन का क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाय टू ब्रैकेट ओपन ए प्लस एल, राइट बच्चों। और ये एल क्या होता है, एल का मतलब यानी लास्ट टर्म, एल हो या ए एन दोनों मीन सेम होता है। तो आइए सॉल्व करते, देखिए ये क्या दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है, क्या टू दे रखा है, और अगेन डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, तो डी इज इक्वल टू ए टू क्या दे रखा है 7 माइनस 2, देन d की वैल्यू क्या आ जाएगा 5, देन देखिए 10 टर्म दे रखा है तो n की वैल्यू क्या है यानी 10, और sn हमें फाइंड करना है, राइट बच्चों। तो sn का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, sn इज इक्वल टू, देखिए सेकेंड वाला फार्मूला यूज नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए n यानी an चाहिए या लास्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट यूज कर लेते, क्या है n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट ऊपर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इन टू d लार्ज ब्रैकेट क्लोज। तो n देखिए n क्या दे रखा है 10 बाय 2 लार्ज ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई, देखिए a की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस n, n क्या दे रखा है 10 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इन टू d की वैल्यू क्या आया था बच्चों 5 आया था, देन लार्ज ब्रैकेट क्लोज, देन देखिए 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 ये 5 आ जाएगा, लार्ज ब्रैकेट ओपन यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4, प्लस स्मॉल ब्रैकेट का 10 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा 9, और मल्टीप्लाई 5 लार्ज ब्रैकेट क्लोज देन 5 देन ब्रैकेट ओपन यानी 4 प्लस 9 5 जा 45, राइट बच्चों। अगेन सॉल्व करेंगे इन्हें, देखिए तो 5 मल्टीप्लाई देखो 4 प्लस 45 करेंगे कितना आ जाएगा 49, अब 5 मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो देखिए 5 9 जा 45, कैरी कितना बचा 4, और 5 4 जा 20 और कैरी 4 तो क्या आ जाएगा 24, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा